दोस्तों, वापस से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि आप क्रोम से माइनक्राफ्ट कैसे ले सकते हो। गाइज, मेरे पास यहाँ से पहले से ही इंस्टॉल है, तो मैं काम करता हूँ। यहाँ पे आपको क्रोम पे जाना पड़ेगा। ओके, क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये कुछ नहीं है, मैंने तो ट्राई किया था। अगर आपके क्या डालना है, सॉफ्ट टॉनिक माइनक्राफ्ट जावडेशन, देखते हैं अगर आपको चाहिए तो। इस पे जाना है आपको। ओके, तो सॉफ्ट टॉनिक जावा एडिशन, भाई ये अलग ही है ना, मैं आपको पॉकेट एडिशन ही बता देता हूँ। तो ये नहीं है ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉफ्ट टॉनिक माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन डालना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सब कट कर देता हूँ। और अब सॉफ्ट टॉनिक माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन मेरा यहाँ पे आ गया, तो आप देख सकते हो। और आपको इसको टच कर देना, थोड़ा स्क्रॉल करना, थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद डाउनलोड माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 1.16.0.55 एपीके नोड .com यहाँ पे आपको दिखेगा। उस पर सिंपली आपको टच कर देना, ये बीटा कंपनी का माइनक्राफ्ट है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट डाउनलोडिंग कर देना। यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोडिंग होने के बाद आपको ऐसे नीचे करना है, नहीं हुआ क्या, एक मिनट, ये क्या आ रहा। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोडिंग कर देना। ओके, यहाँ पे आपको ये आएगा डाउनलोड, आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, ये जो आप देख सकते हो, ऐसे आपको शटर नीचे कर देना, यहाँ पे डाउनलोड आ जाएगा। और ये पूरा डाउनलोड होने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और आपको इस पर टच कर देना। अगर आपका माइनक्राफ्ट डाउनलोड नहीं हो रहा तो एनी ऐप से कर लेना और उसके बाद आपको आपका माइनक्राफ्ट मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक दबा दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।